हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो मैं बात करने वाला हूँ टैंपा बे रेज़ तो न्यूयॉर्क यैंकीज बेसबॉल मैच के बारे में, जो MLB लीग का होने वाला है। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस तरह को पिक करना है, किस तरह को ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में, और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हम अपने टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए TT प्लेइंग 11 बेसबॉल एक्सपर्ट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको एक तरफा विनिंग टीम प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दोस्तों देख लीजिए, हमारे मैच ऑलमोस्ट अल्ट्रा क्लीन स्वीप ही होते हैं। दोस्तों क्लीन स्वीप नहीं, अल्ट्रा क्लीन स्वीप। दोस्तों देख लीजिए, अल्ट्रा क्लीन स्वीप, इससे जो पहला मैच वो भी क्लीन स्वीप। दोस्तों इससे पहला मैच देख लीजिए, वो भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप आपको मिलेगा। और दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों ये आप देख ले सकते हैं MIT DT। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सोच रहे कि मैं मैसेज राइट नहीं किया, आई थिंक दोस्तों कौन सा ये होगा। देख लीजिए दोस्तों, ये मैच मेरा अल्ट्रा क्लीन स्वीप गया है, और लगातार दोस्तों मैं आपको 8-7 मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप दे चुका हूँ। बाकी देखेंगे इस मैच में क्या कुछ होता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं बात करूँगा इस मैच की ड्रीम टीम के बारे में। दोस्तों इस मैच की जो ड्रीम टीम है मैं बना चुका हूँ, जो इससे वीडियो में आपको देने वाला हूँ ड्रीम टीम। तो उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए कौन सा फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करना है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो अपने तक वॉच कर लेनी है। मैं स्टार्ट करूँगा ऑफील्डर सेक्शन से। दोस्तों ऑफील्डर सेक्शन में एरिजोना जज और स्टैंटन को लेकर चल रहा हूँ, जो काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। तो एरिजोना, दोस्तों एरिजोना ने काफ़ी बड़ी चॉइस कैप्टन के लायक प्लेयर है, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस वो बिल्कुल ही आउट ऑफ परफॉर्मेंस चल रहे हैं। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ आप टीम में सिर्फ एज अ प्लेयर लेके चलें, जो लास्ट में उन्होंने पले गया, पर इन्होंने सिर्फ दो सिंगल ही कंप्लीट किया, यानी कि इनका जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी डाउन रहा। और दोस्तों इस सीज़न में ये बिल्कुल भी नहीं चले, बाकी कंप्लीट सीजन अभी बाकी है दोस्तों, तो मेरा मानना कि आगे चल सकते हैं। तो एरिजोना है काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है, तो आप इन्हें पिक करके चल सकते हैं। आरोन जज, आरोन को दोस्तों बारे में करूँ तो आरोन जज काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी दोस्तों, लाइक एरिजोना ही। दोस्तों इस मैच का परफॉर्मेंस देखा, उन्होंने एक होम रन लगाया है, और जो लास्ट मैच उन्होंने पले किया वहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक डबल को ही कंप्लीट किया है, यानी कि बिल्कुल ही आउट ऑफ परफॉर्मेंस चल रहे हैं। बाकी आरोन जज चॉइस काफ़ी बड़ी रहेगी, और मैं आपको प्रेफर करता हूँ ड्रॉप लेके बिल्कुल भी ना चले। तो आरोन जज को हमारी टीम में कन्फर्म पिक करके चलने वाले। स्टैंटन, दोस्तों स्टैंटन भी काफ़ी अच्छी चॉइस है, वो लास्ट के काफ़ी मैचों से काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस हुई, जो लास्ट मैच उन्होंने प्ले किया वहाँ पर आपको देखने को मिला, उन्होंने सिर्फ एक हिट ही लगाया, लेकिन ड्रीम टीम है। इसी जो पिछला मैच प्ले किया वहाँ पर आपको देखने में उन्होंने 3 सिंगल कंप्लीट किया, और इससे पिछला जो मैच प्ले किया वहाँ पर आपको देखने में उन्होंने एक होम रन भी लगाया है। 3 रन बैटिंग है दोस्तों, 1 रन का स्कोर, 2 हिट पर 1 सिंगल आया, यानी कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस किया है। तो स्टैंटन एक काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है, और आपको प्रेफर करूँगा दोस्तों आप स्टैंटन को टीम में कन्फर्म पिक करके चल सकते हैं, और हम इनको टीम में कन्फर्म पिक भी करके चलने वाले हैं। तो स्टैंटन एक काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी। अब बात करूँ इनफिल्टर सेक्शन के बारे में, तो इनफिल्टर से दोस्तों लेम मयू का परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, तो लास्ट में उन्होंने प्ले किया है वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस दोस्तों नहीं किया है, लेकिन इससे जो पिछला मैच प्ले किया वहाँ पर इनका जो परफॉर्मेंस वो 1 सिंगल, 4 रन बैटिंग, इनका स्कोर 1 हिट भी लगाया है। दोस्तों कैप्टन को लेके मैं बिल्कुल सेफ रहूँगा, बस मुझे जो टेंशन है वो इस कैप्टन की, कि वो इस कैप्टन किसको बनाकर चलो। बाकी स्टैंटन एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, वो इस कैप्टन को देख, बाकी कैप्टन के लिए मेरे पास बिल्कुल सेफ चॉइस टॉरस। तो न्यूयॉर्क के टॉरस देख लीजिए, तो लास्ट मैच उन्होंने प्ले किया वहाँ पर आपको देखने को मैंने उन्हें एक हिट लगाया है, इनका जो परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा रहा है। तो टॉरस भी काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी, तो टॉरस को भी हमारी टीम में कन्फर्म पिक करके चलने वाले हैं। डायज, बस तो टैंपा बे रेज़ का यह प्लेयर काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस, और वो इस कैप्टन के लिए ये भी काफ़ी अच्छे से दायदार रह सकते हैं। जो लास्ट मैच उन्होंने प्ले किया है वहाँ पर आपको देखने को मिले उन्हें 1 होम रन, 1 रन बैटिंग, 1 रन का स्कोर और 1 हिट लगाया, यानी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। इससे जो पिछला मैच प्ले वहाँ पर 1 सिंगल और 1 हिट लगाया है। इससे जो पिछला मैच उन्होंने प्ले किया वहाँ पर आपको देखने मिले 1 सिंगल, 1 होम रन, 1 रन बैटिंग, 2 रन का स्कोर। इससे पिछला मैच फिर से दोस्तों होम रन लगाए, यानी कि लगातार 3 होम रन लगा चुके हैं, और दोस्तों ये चॉइस भी काफ़ी बड़ी रहेगी, तो मैं इनको अपनी टीम में कन्फर्म प्रेफर करके चलने वाला हूँ। तो डायज दोस्तों, एंडी डायज वो इस कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छे से दावेदार रह सकते हैं, तो एंडी डायज को हम अपनी टीम में कन्फर्म प्रेफर करके चलने। किनर फ्लैफ्ला, दोस्तों किनर फ्लैफ्ला को देख सकते हैं आप, तो लास्ट मैच कुछ खास नहीं कर पाएगी, तो 1-2 मैच में ठीक ठाक चल रहे हैं। इस मैच में देख लीजिए इन्होंने दोस्तों यहाँ पर 2 रन बैटिंग, 1 रन का स्कोर, 1 हिट,
एक बेस कोस्टल, दो सिंगल, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। तो मैं इनको अपनी टीम में कन्फर्म थे दोस्तों, फ्लैफ्ला को अपनी टीम में कन्फर्म पिक करूँगा ही करूँगा, क्योंकि चॉइस ही काफ़ी अच्छी सी रहेगी। अब बात करूँ पिचर के बारे में, दोस्तों जो मेरे लोगों को रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता ही होगा कि पिचर को दोस्तों मैं कितना महत्व देता हूँ। एक पिचर आपको अल्ट्रा क्लीनशिप मैच प्रोवाइड करवा कर जा सकता है दोस्तों। 95% मैच ऐसे रहते हैं जहाँ पर एक पिचर आपको अल्ट्रा क्लीनशिप देकर जाएगा, और 5% ऐसे रहते हैं वहाँ पर आपको माइनस में लेकर जाएगा दोस्तों, काफ़ी पिटाई हो जाती है। तो मैंने रोनसन को ट्राई किया दोस्तों कैप्टन के लिए, कि अगर दोस्तों प्ले करते हैं तो मैं इनको अपनी टीम में कैप्टन लेके चलूँगा, क्योंकि तो इसी काफ़ी बड़ी रहेगी। आप इनका परफॉर्मेंस देख सकते हो, जब भी प्ले करते हैं काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस करते हैं, तो कैप्टन मेरे आपको रोस मोशन ही देखने को मिलने वाले। और कैचर के बाद दोस्तों मैजिया ने दोस्तों जब इनको प्ले का मौका मिला काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। इस मैच ने यहाँ पे एक सिंगल, एक होम रन, 3 रन बैटिंग, 2 रन का स्कोर बनाया है। तो मैजिया काफ़ी अच्छे से रहेगी, टीम का प्रयोग कर लीजिए जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैंने उस टीम में 3 आउटफील्डर, 4 इनफील्डर, 1 पिचर, 1 कैचर को चूज किया है। जो मेरी कैप्टन चॉइस दोस्तों रोसमन है, और जो मेरी वाइस कैप्टन चॉइस है वो दोस्तों मेरी रहेगी, मेरे पास 2 से 3 चॉइस दोस्तों स्टैंटन, दोस्तों डायज, ये 2 चॉइस ऐसी जो मैंने अपनी टीम में वाइस कैप्टन लेके चला सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस टीम में जो भी अपडेट होगा आपको पता लगेगा सिर्फ टेलीग्राम पर ही। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मेहनत के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फाइनल टीम में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।